Hey Mark, we have discussed about the is yesterday, and today we discuss about the am. You know very well that this it show the identity. When you show some identity about some person, we have to use the is am or it's called helping verb. So please tell me what you get yesterday. आपने क्या पाया मतलब इससे क्या मिला आपको मुझे बताओ। हाँ तो सेंटेंस बता सकते हैं जैसे आपने इसका सेंटेंस किया जैसे कि वह बहुत शरारती अच्छी है इसका शी इज अ वेरी नॉटी गर्ल। ये नॉटी की सही करना चलो तो आप मेरे को सेंटेंस सुना दो। आपने सुना है मोबाइल बताओ बताओ मन से बताओ तो इसके सेंटेंस फिर मैं आगे बताऊँ। ये मेरा मोबाइल है। हाँ इसको इंग्लिश बोलना। हाँ इट इज माय मोबाइल। इट इज माय मोबाइल इट्स वेरी गुड। एंड नेक्स्ट वन मोर। चलो मतलब यो मेरा आइसक्रीम आपको याद क्या भूलोगे नहीं ना उसको इस वाले सेंटेंस में भूलोगे नहीं ना प्रैक्टिस के बाद इसके ना भूलोगे। इट इज माय पेन। इट इज माय पेन की के साथ यूज करो। ठीक है ठीक है। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। यो मेरा शी के साथ शी के वो मेरी इंग्लिश में। इंग्लिश में हाँ 2 दिन सी ए जो मेरे को याद सी सी मेरे को माय सिस्टर बुक नहीं होती सी बट शी माय सिस्टर शी इज माय मैम शी इज माय मदर है ना। उसके बाद नेम ठीक है नेम लेके सेंटेंस से लगाना है। बोलो रमेश तेरा अच्छा दोस्त है। आशु इंग्लिश बोलना। रमेश मुझे बेस्ट फ्रेंड है। रमेश माय बेस्ट फ्रेंड। चलो आपको इस वाले सेंटेंस मतलब ये ना क्लियर हो गया। आज हम पढ़ेंगे आर के बारे में है ना। और आर का यूज क्या होता है बता दूं आपको है ना। आर का यूज किसके साथ होता है। आर का यूज होता है वो आर का वी यू और दे। ये क्या पता है आपको क्या बोलते हैं इनको प्लूरल सब्जेक्ट। आई को नहीं आएगा कि आई एम के साथ आएगा तो पता नहीं बता रहा आपको कि अखबार में इसको सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट मान लो। लेकिन यहाँ पे आई नहीं आएगा यहाँ पे आर के साथ भी आएगा यू आएगा और डी आएगा। तो आज अपन तीन सेंटेंस के बारे में बात करेंगे ना। टुडे वी डिस्कस अबाउट ई आर वी यूज द प्लूरल सब्जेक्ट वी यू एंड दे। ओके तो आर बैठेंगे जैसे कि इसमें हिंदी में ऐसा आता है कि मैं हूं हूं हे है ना बच्चे तरह की हैं। ओ ये आता है बाद में ना जिंदगी में का ध्यान नहीं आता है ना। चलो मैं ये इसको ध्यान रखना है कि आर के साथ में बी के साथ में क्या आएगा आर और यू के साथ में आ रहा है और डी के साथ में आ रहा है। इसका मैं बनाता हूँ वो क्या बोलते हैं फार्मूला जी तो अपन कल बनाते हैं ना। यहाँ पे लगाना है प्लूरल सब्जेक्ट है ना। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट बस आई को है ना प्लस आर प्लस नाउन। नाउन पता है ना आपको जो बच्चे की सारे नाउन को बनाएंगे ना प्लूरल सब्जेक्ट आर प्लस नाउन। तो एक सेंटेंस लिखता हूँ उसका कन्वर्ट करूंगा ना ट्रांसलेट करना है उसको। यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 है ना। करेंगे लिसन किया पहले इंग्लिश समझाओ अच्छा रहेगा ना। इंग्लिश समझ लो आप कक्षा दसवीं के साथ हो इस सेंटेंस में समझ जाना है कि हिंदी क्या क्या है ये क्या बता रहा है वो काम भी नहीं कर रहा है इसको कोई फंक्शन नहीं हो रहा है ये क्या बता रहा है कि आईडेंटिटी शो कर रहा है कौन क्या आईडेंट बता रहा है कल ये कौन क्या है इसको लेके चलना है। ये फॉर मतलब क्वेश्चन को उठा कर अगर हटा दो कौन क्या है मतलब आप कक्षा 10 के साथ में इसका आंसर है ना। हाँ कौन मतलब कौन क्या है उसको क्वेश्चन लेना अपना दिमाग में। तो इसको अपने इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे पहले क्या उठाएंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप यू। तो पहले प्लूरल सब्जेक्ट क्या लेंगे अपन यू। उसके बाद क्या लेंगे डायरेक्ट आर है ना। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट लिख दिया उसके बाद क्या लिखेंगे आर। ऐसे मत लिखना कि हिंदी देखिए अपन इंग्लिश कन्वर्ट कर रहे हैं कि आप कोई को लिख दिया और ऐसे नसी लिख दिया ऐसा कुछ। अपना को इंग्लिश से इतना लेना है ना प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आर उसके बाद बचा हुआ सारा उसके पीछे लगा दें। यू आर स्टूडेंट ऑफ ए पूरा नाउन पहला है ना ये वाला स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 जो बचा हुआ पीछे ऑफ क्लास
टेन समझ आ रहा है? हाँ। नेक्स्ट मैं अभी अपन यू ले लिया, अब ले लिया नेक्स्ट में बी। हाँ बी।